अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन एजुकेशन कंसल्टेंट की रिप्रेजेंटेटिव शाइस्ता मीर और आज हमारे साथ हैं ज़ेजियांग चाइनीज़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट। आए उनसे पूछते हैं कि उनका सफ़र कैसा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मैं जेलम से ताल्लुक़ रखती हैं। तो कैसे पता चला आपको स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में? मतलब मैंने ना फेसबुक पे चेक किया था, स्कॉलरशिप चेक कर रही थी तो हेस्ट का आ गया तो फिर मैंने अप्लाई कर दिया। तो फिर मैंने ऑनलाइन टेस्ट दिया था 30 अक्टूबर को। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट दिया था। और ऑनलाइन टेस्ट में आपको जो है वो सेटिस्फेक्शन होगी कि ये एक सही प्लेटफॉर्म है जिससे आप जो है वो अपना एक पेपर दे रही हैं। यस, मतलब मुझे सही लगा क्योंकि पाकिस्तान में पहले तो MD कैट दिया तो उसने नैरिक नहीं मिला क्योंकि बहुत हाई था। ठीक है, इसलिए मुझे चाइना बेस्ट ऑप्शन है। डॉक्टर बनना आपका ख्वाब है, इसके पीछे किसी और का ख्वाब? नहीं, मेरा खुद का ख्वाब है। खुद के ख्वाब को मुकम्मल करने की जदोजहद में हसनैन एजुकेशन तक पहुंच गई आप। यस, ठीक है। तो कैसी लग रही है आप जो स्टडीज़ अभी आप कर रही हैं? मतलब अच्छी लग रही, सेटिस्फाइड है। मैनेजमेंट से कोई मसला? नहीं, अच्छी है वो। उस वजह से स्कॉलरशिप मिला आपको? ये कितने परसेंट? 50% स्कॉलरशिप। मुश्किल सा पेपर? नहीं, इजी सा। मतलब 50% 100% क्यों नहीं मिला? नहीं, मतलब कुछ क्वेश्चन होते हैं जो समझ नहीं आते, बाद में देर बाद आते हैं। देर बाद समझ आती है। ठीक है। तो आपने जब अप्लाई किया, पेपर दिया, उसके दौरान में कोई मुश्किलात आई आप? नहीं, किसी किस्म की कोई मुश्किलात नहीं। इजी आपने ट्रस्ट कर लिया। लोगों ने कहा स्कैम है, ऐसी बातें सुनने को मिली? नहीं, लोगों की बातें करते रहते हैं। अच्छी बेहतरीन बात नहीं है, लोग तो बातें करते रहते हैं, लोगों की बात तो फिकान नहीं रहने चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो ख्वाब पीछे रह जाएंगे। ठीक है, क्या पैगाम देंगी उन बच्चों को जो लोगों की बातों में आ जाते हैं और पाकिस्तान में उनका मेरिट नहीं बनता और वो किसी सही जगह पे पहुंच नहीं पाते? मतलब पहले वो बच्चे ट्राई करें, अगर पाकिस्तान में उनको मेरिट बन जाए तो ठीक है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन उनके लिए चाइना। बेस्ट ऑप्शन चाइना ही है। चाइना जाए किसके थ्रू जाए? मतलब हेस्ट के थ्रू जाए। हेस्ट के थ्रू जाए, बहुत से कंसल्टेंट है तो हेस्ट ठीक क्यों? नहीं, हेस्ट मतलब बंदा उससे सेटिस्फाइड हो जाता है। जैसे आलिया सेटिस्फाइड होगी, इसी तरह बाकी लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच आलिया, आपकी कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अनाफ।